बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मैं सब एनिमल की एडवांस बुकिंग प्रॉपरली ओपन हो चुकी है और जबरदस्त तरीके से ये तबाही मचा रही है बाय गॉड, कि बहुत सी मूवीज के अभी हाल ही में रिकॉर्ड इसने ब्रेक डाउन कर दिए है। मतलब स्पीड मामले में जितनी फास्ट बुकिंग हो सकती थी उस मामले में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कल इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी, उसके बाद आज सेकंड डे चल रहा है और सेकंड डे में प्रॉपरली जहां जहां बुकिंग नहीं चालू हुई थी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में भी बुकिंग चालू हो चुकी है। तो हिंदी से कितना कलेक्शन हो चुका है, तमिल तेलुगू से कितना कलेक्शन हो चुका है, ओवरऑल ये मूवी कितना कलेक्शन कर चुकी है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे हिंदी से इस मूवी ने एनिमल ने जबरदस्त आंकड़ा सेट करके रख दिया है। हिंदी से 3 करोड़ से ऊपर इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है सिर्फ एडवांस से, जिसमें से टिकट इन्होंने बेच दिए हैं लगभग 90,500 कुछ के आसपास, जिसमें से एवरेज टिकट प्राइस 277 रुपए है और 4,272 सोच अपने खाते में सिर्फ सिंगल हिंदी लैंग्वेज से ले लिए हैं। बाय गॉड, मेजर जो कलेक्शन देखने को मिलेगा वो हिंदी से देखने को मिलेगा और इस बार हिंदी ऑडियंस की जेब ढीली हो चुकी है, क्योंकि पठान में भी हिंदी से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, देन जवान में 500 अबव वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, देन गदर 2 में भी हिंदी से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है लगभग 500 करोड़ से ऊपर। तो इस बार हिंदी ऑडियंस की जेब तो बहुत खाली हो चुकी है और एनिमल दोबारा से एक और प्रहार करने वाला है उनकी जेब पर। तो भाई तेलुगु से कितना हो चुका है, तेलुगु से 33 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग हो चुकी है और लगभग 20,500 टिकट इन्होंने बेच दिए हैं सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से। तमिल लैंग्वेज से 13,500 के आसपास बुकिंग हो चुकी है और 205 टिकट तमिल से बेच दिए हैं। तमिल में उतना अच्छा रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ तेलुगु से ठीक ठाक रेस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, AA फिल्म्स एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूटर है और सेम डिस्ट्रीब्यूटर AA फिल्म्स ही रहेगा किसका, सालार का। तो वहाँ पर थोड़ा एक कनेक्शन सेट करने को बैठ रहा है। तो सालार को जब AA फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा वहां से तेलुगु ऑडियंस का एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, दैट्स व्हाई कि हमें एनिमल में भी तेलुगु रीजन से अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई भी बॉलीवुड की मूवी इतना अच्छा साउथ में कवरअप करती नहीं है, लेकिन हाँ एनिमल जबरदस्त कर रही है। टाइगर 3 से उम्मीद थी क्योंकि वायरफ ने जबरदस्त प्रमोशन किया था, लेकिन टाइगर 3 से इतना अच्छा कलेक्शन नहीं देखने को मिला। एनिमल फाड़ रही है साउथ में भी और हिंदी में, तो ये फाड़ ही फाड़ रही है, डेफिनेटली फाड़ेगी। तो अभी तक एनिमल ने कितनी, मतलब टोटल एडवांस बुकिंग कितनी ले लिया, भाई साहब मुद्दे की बात पर आओ, ये सब चीज तो छोटी छोटी है, हमें जानना है कि इस मूवी ने कितना कलेक्शन अभी तक कर लिया है अपने 2 ही दिन में। 3 करोड़ 40 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग से कलेक्शन इन्हें अपने खाते में रख लिया है। टोटल टिकट लगभग 1,11,000 350 के आसपास इन्होंने टिकट बेच दिए हैं। ऑलमोस्ट 4,600 सोज सभी लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी तमिल तेलुगु इन तीनों को मिलाकर इस मूवी ने अपने खाते में इतने सोच रख लिए। तो देखा जाएगा क्या 15,000 से ऊपर सोच इस मूवी को मिलते हैं, नहीं मिलते, क्योंकि सामने सैम बहादुर है, विकी कौशल फुल टक्कर देंगे और पेल के टक्कर देंगे, भाई छोटा मोटा कंटेंट नहीं है सैम बहादुर, बस अभी दहाड़ नहीं रहा है। थिएटर हाउस में जब चलेगा, वर्ड ऑफ माउथ जब काम करेगा, लोग उसके पॉजिटिव रिव्यू देंगे, तब उसके कलेक्शन में जोर देखने को मिलेगा। तो भाई साहब तमिल एनिमल तो जबरदस्त कर ही रहा है, आप लोगों की क्या राय है, ये मूवी फर्स्ट डे कितना कर सकती है। देखो अभी 3.5 करोड़ के आसपास इन्होंने कलेक्शन कर ही लिया है, तो फर्स्ट डे कितना जा सकता है डे वन पर, मे बी नेट इंडिया से मान के चले 45 से 50 करोड़ तो उसके खाते में आ ही सकते हैं। और एडवांस बुकिंग कितनी हो जाएगी, मतलब 1 दिसंबर को मूवी रिलीज हो जाएगी तो उससे पहले ये कितनी टोटल एडवांस बुकिंग कर लेंगे फर्स्ट डे के लिए, अराउंड इंडिया से 25 करोड़ कहीं नहीं गए बाय गॉड, क्योंकि अभी दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ही 350 करोड़ और घंटों में, मतलब हाउसफुल चल विद इन आवर, जहां नई प्लेसेस पर बुकिंग ओपन हो रही है वहां पर विद इन आवर हाउसफुल सोच जा रहे हैं। देखा जाएगा कितना है आपके हिसाब से 25 करोड़ फर्स्ट डे आएगा नहीं आएगा, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।